यूट्यूब चैनल रिसर्च भी एजुकेशन एंड मोटिवेशन बेस शिक्षा न्यूज में आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी खबर है इन जिलों में शिक्षकों के प्रमोशन के लिए अपलोड की गई ज्येष्ठता सूची। आप भी देखिए क्या आपके जनपद की ज्येष्ठता सूची अपलोड हो गई है। स्कूलों की योजनाओं, कार्यक्रमों व हर गतिविधियों पर नजर रख रहा है विद्या समीक्षा केंद्र। सुप्रीम कोर्ट बीएड बीटीसी विवाद, इस दिन आएगा कोर्ट का फैसला। अब तक 1 लाख लोगों को टैक्स नोटिस भेजे गए। देखिए महत्वपूर्ण बेस शिक्षा से जुड़ी हुई अपडेट्स। सुप्रीम कोर्ट बीएड बीटीसी विवाद, जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने जजमेंट के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। अगस्त के पहले सप्ताह में जारी होगा जजमेंट। ये साथियों बीएड वर्सेस डीएलएड केस की सुनवाई आज कोर्ट 6 नवंबर जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में आइटम नंबर 20 पर हुई। सुनवाई में एनसीटीए सूचना रिजर्व फैसले पर भी चर्चा हुई। सुनवाई के बाद नेक्स्ट डेट 2 सप्ताह बाद की दी गई। प्रसिद्ध स्कूलों के शिक्षकों के लिए अपलोड की गई सूची। प्रयागराज प्रदेश के 1,14,000 से अधिक प्रसिद्ध प्राथमिक स्कूलों में कार्य सहायक अध्यापकों के प्रमोशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पत्र सोमवार से अपलोड होने शुरू हो गए हैं। बेस शिक्षा परिषद के सचिव श्री प्रताप सिंह बाघेल जी ने रविवार को सभी बेस शिक्षा अधिकारियों को 26 जुलाई तक अंतिम सूची अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार रात 9 बजे तक अलीगढ़, अयोध्या, बागपत, बलिया, बाराबंकी, चंदौली, गाजीपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हाथरस, कन्नौज, कानपुर देहात, मेरठ संभल, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर और उन्नाव की सूची अपलोड की गई थी। अब तक 1 लाख लोगों को टैक्स नोटिस भेजे गए। नई दिल्ली आयकर दिवस के मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि करीब 1 लाख लोगों को टैक्स नोटिस भेजे गए हैं। इन लोगों के रिटर्न में गड़बड़ी रही है और ये नोटिस बिना किसी मतलब के नहीं भेजे गए हैं। पिछले साल और इस साल के आंकड़ों को देखा जाए तो विभाग से करदाताओं की संतुष्टि बढ़ी है। वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में टैक्स विभाग की तरफ से भेजे जाने वाले नोटिसों के मामले पारदर्शी और जिम्मेदार तरीके से तेजी के साथ काम किया जाएगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि नई टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाने के लिए 7,27,000 तक कोई टैक्स नहीं रखा गया है। बेसिक स्कूलों की योजनाओं, कार्यक्रमों व हर गतिविधियों पर नजर रख रहा है विद्या समीक्षा केंद्र। बेस शिक्षा विभाग ने अपनी सारी योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ साथ सभी स्कूलों पर नजर रखने के लिए लखनऊ में विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की। यह केंद्र पूरी तरह से हाईटेक है जिसमें स्कूलों के शिक्षकों से लेकर छात्रों तक नजर रखी जाएगी। बीते जनवरी में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस विद्या समीक्षा केंद्र BSK की आधारशिला रखी थी, जो अब पूरी तरह से तैयार है और काम भी करने लगा है। इस केंद्र में निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर NBMC भी है, जिसमें 20 से अधिक डैशबोर्ड वाले डाटा विजुलाइजेशन टूल शामिल हैं, जो शिक्षक गाइड, सीखने की सामग्री, मध्याह्न भोजन, शिक्षक और छात्र उपस्थिति के उपयोग सहित कक्षा संकेतकों में वास्तविक समय की प्रगति को दिखाते हैं। NBMC के डैशबोर्ड को बेस शिक्षा अधिकारी BSA से लेकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी BEO, राज्य संसाधन समूह SRG तथा शैक्षिक संसाधन व्यक्ति ARP डैशबोर्ड पर प्रदर्शित हो रहे सभी डेटा को देख सकते हैं। यही नहीं, प्रमुख प्रदर्शन संकेतक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर प्रदेश स्तर पर तथा BSA जिला स्तर और BEO ब्लॉक स्तर पर नजर रखकर जरूरी सुधार के लिए आदेश निर्देश दे सकते हैं। सूचनाओं को ट्रैक करने के लिए हैं 60 सीटर कॉल सेंटर। इस केंद्र में निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर भी है, जिसमें 20 से अधिक डैशबोर्ड वाले डेटा, सीखने की सामग्री, मध्याह्न भोजन, सीखने और छात्र उपस्थिति के उपयोग सहित कक्षा संकेतकों में वास्तविक समय की प्रगति को दिखाते हैं। विद्या समीक्षा केंद्र में यह 60 सीटर कॉल सेंटर भी बना है, जो नियमित रूप से NBMC के माध्यम से प्रदेश स्तर के परिणामों को ट्रैक करता है और फील्ड कैडर को सूचनाएं प्राप्त करने में मदद करता है। फिलहाल तय समय के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उनकी प्रगति के आधार पर शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों को हर महीने औसतन 1,20,000 कॉल किए जाते हैं, ताकि योजना हो या कार्यक्रम या फिर स्कूल वर्क सभी तय समय के भीतर पूरा हो सके। कार्यों के मूल्यांकन में भी होता है डैशबोर्ड का इस्तेमाल। बच्चों के सीखने के परिणामों को ट्रैक करने के लिए विभाग के प्रदेश स्तरीय मुख्यालय की तरफ से अलग अलग अंतराल पर कई मूल्यांकन आयोजित किए जाते हैं।
इस मूल्यांकन के परिणामों को भी ट्रैक करने के लिए डैशबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही पाठ पुस्तक वितरण से लेकर कक्षा परिवर्तन एवं स्कूलों के मौजूदा ढांचों की जरूरतों को भी इसका प्रयोग किया जाता है। साथियों, इसी प्रकार के अपडेट्स आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के अपडेट्स मिलती रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, नए वीडियो के साथ मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।